एक फोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है। किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। हम सब मजबूर होंगे कि जो भी बन जाएगा हम उसकी बात मानेंगे, चाहे 6 माह बाद इलेक्शन हो, चाहे 3 माह बाद हो, चाहे 4 माह बाद हो। अगर इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज का इलेक्शन बढ़ जाएगा। कोई आदमी अगर जानमाज पे बैठ के आपके लिए एक दुआ करता है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। सब लोग सारा कुछ नहीं कर सकते और आप सब लोगों से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लोगों के दिल में क्या है वो तो हम चीर के नहीं देख सकते। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ये ठीक हुआ, ये कहा हो कि ये ठीक हुआ, सबने कहा गलत है। आप लोग नौकरी नहीं करते, वो लोग नौकरी करते हैं कि अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं घर में। एक फोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है। किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैंने जब भी कभी किसी चैनल की नौकरी छोड़ी है अभी पिछले सालों में तो इसलिए छोड़ी है कि या तो 3,000 लोग बेरोजगार होंगे या मैं अकेला होऊंगा। तो यार उनकी तो नौकरी लगी है। रानी साहब आपका ना क्राइटेरिया बहुत सख्त है क्योंकि आप खुद एक सख्त आदमी हैं। मेरे अपने लिए हो सकता है भाई। अच्छा, मेरे भाई का तमाशा भी लगाए कोई नहीं, वो मुझे गवारा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम मेरा बिल्कुल इख्तलाफ नहीं था। मेरे लिए काबिले इज्जत है एहतराम है अफजल भट्ट साहब, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं मैंने उनकी इतनी मिन्नतें की, मैसेज की हमारे पास बैठे, मिन्नतें की मेरे साथ। आपको लगता है वो दिल से मेरे साथ नहीं थे? बस दुरानी साहब वो काफी था। दिल में एक चीज रह गई ना कि अच्छा इमरान भाई काफी था। इमरान भाई देखो क्वेश्चन में मत, इमरान भाई सब लोग सब कुछ नहीं उठा सकते। मैं आपको ये, मैंने एक और दोस्त को ये बात बताई, मैंने कहा क्यों तुम ये सबसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे लिए सारे निकल के इस लेवल तक जाएं। कोई बेचारा ऐसा भी है जो डर के मारे अपना कमरा बंद करके अंदर जानमाल बिछा के तो अल्लाह के आगे रो रो के दुआएं मांग रहा होता है। उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको दुआ मांगने दो, हो सकता है उसी की दुआओं के सदके सारा काम बन रहा हो। तो सर मैं अपनी बात कंप्लीट एक बार जी जी भाई कि हम सब लोग ये कर रहे हैं। हम तब भी यही बात की थी कि सरपरस्ती आप करें क्योंकि आप डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और डिजिटल मीडिया ही आपके बैक पर खड़ा हुआ है। नबील भाई ने भी यही अभी बात की कि आप सरपरस्ती करें, 15 लोगों की बॉडी बनाएं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि आप भी नज़र रखते हैं, इतने सालों से आपको फील्ड का पता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कोई वीएन लेकर सामने आ रहा है और कोई सिर्फ इमरान रियाज खान को बेचने के लिए आया है। नबील भाई ऐसे ही आपने, अगर हम आपको सरपरस्ती देंगे तो आपने इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप ये इवेल्यूएट कर सकें कि कौन इमरान रियाज खान को सेल आउट करने आ रहा है या कौन सा। डेमोक्रेसी की खूबसूरत बात पता क्या है, वहाँ मैं और आप मैटर ही नहीं करते। आप जो चीज़ें तय कर देंगे वो जमहूरी अमल के नतीजे में होंगी। ठीक है, फिर क्या होगा वोटिंग क्राइटेरिया आप लोग बनाएंगे कि कौन वोटर है। लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं और किसको बॉडी बनाना चाहते हैं, फिर हम उनकी मानने के लिए मजबूर होंगे सारे। ठीक है, ठीक है। हम सब मजबूर होंगे कि जो भी बन जाएगा हम उसकी बात मानेंगे, चाहे 6 माह बाद इलेक्शन हो, चाहे 3 माह बाद हो, चाहे 4 माह बाद हो। लेकिन जब तक नहीं होते, एक यूनिटी के लिए आपको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि जी आज के बाद ये हमारा नाम है, हम 15 या 20 लोग हैं, हम ये कॉन्फ्रेंस किया करेंगे और आपस में बैठ के गोलमेज में ये ऑफिस आप ले लें, हम डिसाइड कर दिया करेंगे कि हमने चलना कैसे। पूरा एक बना लें आप, पेपर वर्क कर लें जो भी आपने करना है। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए सोशल मीडिया में। किससे बात करें अगर किसी को सोशल मीडिया पे किसी के साथ बुरा हो गया तो वो किससे बात करे? कोई तो तंजीम हो जिसको जाके लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे, साहब देखो मार रहे हैं। एग्जैक्टली, कोई तो तंजीम हो जिसको जाके कहें कि देखें जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बात करें। सेम पॉइंट ऑफ व्यू, वो होनी चाहिए। जब बनेगी तो मोबाइल बंद हो जाना इमरान, तो इसलिए एक अच्छा इमेज भी बन जाएगा। एक बॉडी आप लोग बना ले आने वाले दिनों में। एक सवाल इमरान भाई, आज आप यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करने जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई उस वक्त में जब बड़े हालात ख़राब थे और आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेलों में हैं, मुंतज़िर हैं आवाज़ के। आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल मायने रखती है, तो लोग ये जानना चाहेंगे कि अब जो वो लोग जो कि इस वक्त जेलों में मौजूद हैं उनके लिए आप अपने व्लॉग्स में, अभी सनम जावेद के रिसेंटली फादर से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो बुनियादी राइट्स हैं वो तक नहीं हमें दिए जा रहे, वो नहीं मिल रहे, तो आप अपने व्लॉग्स में उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे? इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज का इलेक्शन बढ़ जाएगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सबको पता है
ये चीजें आपने पहले तो नहीं विटनेस की पाकिस्तान में? ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। जब पहली मर्तबा बात की तो मैंने ये कहा कि कल जब बाकियों के साथ ये होगा तो फिर कोई शिकवा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हो चुका पहले। तो गुजारिश ये है कि अब रूल ऑफ लॉ, मैं आज यही बात करके आया हूँ, कानून की हुक्मरानी, उसके अलावा कोई हल नहीं है, उसके अलावा कोई हल नहीं है और हल निकलेगा भी नहीं। अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी की तरफ ही इस मुल्क को जाना पड़ेगा। मैं लास्ट एक बात है कि एक आपने मुश्किलें भी काटी, एक सहाफी को किस तरह किरदार अदा करना चाहिए और किस तरह चलना चाहिए, आप जरा राय माइक फरमा दें। मैं तो काबिल तकलीफ नहीं हूँ, मेरी हालत आपके सामने। इमरान भाई दो क्वेश्चन है, एक तो बहुत से लोग ये कहते हैं जनाब ने जो आपके मुश्किल वक्त आया इसके जिम्मेदार आप खुद थे, क्योंकि आप अपने ब्लॉग में हमेशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात उठाई तो इमरान खान को आपने प्रेजेंट किया था, तो इसके आप जिम्मेदार खुद हैं। अब आप दोबारा बाहर आ गए हैं, जितना पीटीए के वर्कर के साथ हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आप दोबारा जो है आवाज उठाएंगे जो गलत हो रहा है इस मुल्क के अंदर? किसके साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है ज्यादती? पीटीए के कारकुनान के साथ। तो मैं क्या कहूँ कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है भाई, जब उनके साथ होगी तो वो कहेंगे, जब इनके साथ होगी तो ये कहेंगे। कुछ चीज़ों पे मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने उसके ऊपर माजरत भी की, लापता अफराद स्पेशली लापता अफराद के मामले में। तो ये जो अभी एक तहरीक चली हुई है तुर्बत से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, उनको सुनना चाहिए, वो हमारे लोग हैं, कहीं बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आ रहे हैं, जहाँ पहुँचे उनका इस्तकबाल कीजिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको खाना पानी पूछना चाहिए। मैंने बलोचों को सही तरह पहचाना जब मैं घर बनाने गया था बलूचिस्तान में, हम सबसे बहुत बेहतर और मेहमान नवाज लोग हैं, टूटे हुए घर में पकड़ा दिबा करके खिलाते हैं वो, बात समझ आ रही है? इमरान भाई वो घर में बच्ची गाड़ी छत के नीचे आ गई थी, बच्ची फौत हो गई जी, वो टूटी हुई दीवार पे खड़ा था, हमें देखते ही उसने अपना दुब्बा दिबा कर दिया, छत नहीं बना पा रहा था, 25,000 का दुब्बा दिबा करके हमें खिला दिया। वो लोग आ रहे हैं तो वो मेहमान नवाज हैं, तो उनको शिकायत तो नहीं होनी। इमरान भाई आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं आपके जोश और वलवले का, वो कब माशाल्लाह दोबारा हमें नजर आएगा? मैं वैसे ही हूँ यार, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें। सर आपने बताया कि लोग जाय नमाज में दुआ मांगते हैं, एक बार पैन कोई खींच रही है जी। इमरान भाई माओ ने बहुत ज्यादा दुआएं की थी आपके लिए, खासतौर पर रो रो कर, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, उन माओ को, उन बहनों को और उन बेटियों को? मैं उन्हें कह के गया था कि मैं वापस आऊंगा, दुआ करें आप लोग ना। मैं आखिरी वीडियो में मैंने कहा था अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को कि आप लोग दुआ करें, आपकी अल्लाह सुनता है ज्यादा। मुझे किसी चीज का यकीन नहीं भी था, तो एक बात का तो था कि दुआएं तो मेरे लिए हो रही हैं, और मैं अल्लाह से एक दुआ करता था कि ये अल्लाह जो लोग दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआएं कबूल कर ले, तो मैं ये बार बार कहता था। तो आप सबका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, बस मेरी एक ही दुआ है कि आप मेरे लिए दुआ कर दें। बिल्कुल।